साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न अभियानों में जुटे हैं और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र कश्यप जी, जो पश्चिम क्षेत्रीय संयोजक हैं। सत्येंद्र जी, 9 साल पूरे हुए हैं सरकार के, तो आप क्या कहेंगे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार? जी धन्यवाद भाई साहब। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो 9 वर्ष में उन्होंने जो कार्य किया है वो देश हित में और जनता के लिए कार्य किया है, उनमें विभिन्न योजनाओं का उन्होंने अवतरण किया है, जिसमें जैसे आयुष्मान योजना आती है उसमें जो है देश में गरीब लोगों को जो भी थे जो इलाज नहीं करवा पाते थे उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवा कर उनको जो है बेहतर इलाज दिलवाया है। और जो है किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों के लिए साल में 6,000 रुपये जो है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा किसानों को प्राप्त हुए हैं। और शौचालय, देश में जो है गरीब लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई है, प्रत्येक गांव में शौचालय बने हैं। और सबसे बड़ा जो अभियान है वह है जल संरक्षण का, जल देश में जल को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं इस समय अमृत काल में, वह हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी जो है उनका प्रचंड जो है लहरा रहा है और विदेशों में भी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। यही हमारी योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि जो है समय कम है और हम भी कम जो है बोलना चाहते हैं, तो योजनाओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की जनता खुश है और वो मोदी जी को अपना वोट दे करके उन्हें फिर से 2024 में विजयी बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे देश में 92 लोकसभा सीट है वो मुस्लिम बाहुबली है। मुस्लिम बाहुबल से जो है बिल्कुल वो है, क्योंकि उसमें भी 2019 में 45 सीट मोदी जी ने ली थी लोकसभा की, और अब 92 में जो 92 लोकसभा की सीट है उसमें भी लगभग 70 से 75 सीट हम लोग लेंगे। और मोदी जी की योजनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनका मुस्लिम वोटर उनको पूर्णतः समर्थन कर रहा है। धन्यवाद।